आप करेंगे, ये अंतिम आपको दे दीजिए, बाकी विराजमान हो जाओ, फिर कल फिर, हाँ कल फिर आपको सबकी बातें होगी। लेकिन कथा से संबंधित कोई ऐसा पूछो, जिज्ञासा प्रश्न सनातन का, जिससे दूसरों का हित हो। भाव तो सबके बहुत अच्छे हैं जी। जय श्री सीताराम। सीताराम, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों में कलयुग में सर्वश्रेष्ठ क्या है, आपकी व्यासपीठ से मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न, ताली बजाओ। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में चर्चा की गई है। हमारी छोटी सी मति के अनुसार ज्ञान योग में पढ़ोगे तो ज्ञानाभिमान आ जाएगा, कर्म योग में पढ़ोगे तो फल की चिंता रहेगी, और भक्ति में पढ़ोगे तो ज्ञान भी पा जाओगे और कर्म भी हो जाएगा। और दूसरा मेरा ये प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरा ये हमारे जो लाडले विधायक है रमेश जी, ये हर वर्ष पूरे वर्ष भर तक न जाने कहां कहां से कितने कितने जतन करके और संतों को यहां इकट्ठा करते हैं, और हमारे रामायण में बोलते हैं कि चंद संत जो है वो चलता फिरता एक मंदिर है, संत जो है एक चलता फिरता नदी है। तो मैं कहूंगा कि हमारे लाडले विधायक रमेश जी, इनके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ये जो युवा है जो आपसे जो जुड़े हुए हैं, उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि इंदौर में राम कथा हो। तो मैं कहूंगा कि आप मंच से हमारे रमेश दादा के लिए एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये आजन्म हमारी इंदौर की सेवा करते रहें। वाह, राम जी कृपा करें।